भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद वर्मा। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो मेडिकल के ऊपर लाने वाला हूं मैं आपके लिए, और पूरा बताऊंगा क्या क्या आपको आर्मी में किस पॉइंट से निकाला जा सकता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से नहीं, हमारे साथ आर्मी के कैप्टन सर रह चुके हैं, जो कि आपको पूरी डिटेल से, जो कि सर ने मेरे को बताया कि कैसे कैसे क्या करना है। सर अगर मैं कुछ गलती करूँगा तो मुझे जरूर बताना सर, ठीक है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं मेडिकल के ऊपर पूरा, मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा, आराम आराम से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। दोस्तों सबसे पहले मैं सर से स्टार्ट करूंगा। दोस्तों ये सर दिख रहा है आपको, बाल उड़ गए हों चाहे सफ़ेद हो चाहे कुछ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके मान के जो सर पे सफ़ेद दाग है तो उसकी वजह से आपको पॉइंट मिल सकता है, ये पहला पॉइंट है। अब बात करेंगे दोस्तों आँख की। दोस्तों आँख आपके मान के चलो 6x6 होनी चाहिए, और एक चीज़ और जो पेन से नापा जाता है, पेन से देखा जाता है, जैसे कि दोस्तों मान के चलो ये पेन है, ये पेन आपको इधर इधर करेंगे, ठीक है। इसको देखो, ये जो आपकी आँख जो काले काले वो पॉइंट होता है उसको यहाँ से देखना होता है, ये देखो, गर्दन नहीं हिलाना बस। अगर दोस्तों मान के चलो आपका ये पॉइंट जो आंख का ये जो ब्लैक है, ये अगर जैसे कि मान के चलो ये जा रहा है ये, तो आप बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर ये नहीं जा रहा तो आपका पॉइंट है, इसमें आप मेडिकल में निकल सकते हो। तो अब बात करेंगे कान की। अगर मान के चलो आपने कान का ऑपरेशन करवाया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पता नहीं लगना चाहिए कोई, ये नहीं कटा पिटा निशान है। अगर कटा पिटा निशान है तो उसमें आपको पॉइंट मिलेगा। और आपके कान साफ होने चाहिए, टॉर्च से देखा जाता है, कान साफ होने चाहिए और कान फटे नहीं होने चाहिए, कान का पर्दा फटा नहीं होना चाहिए, उसका भी आपका पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नाक के ऊपर। ये दोस्तों नाक देख रहे हो आप, किसी की नाक टेढ़ी होती है, किसी की हड्डी टूटी होती है, तो उसकी वजह से आपका पॉइंट मिल सकता है। अब मैं बात करूंगा मुंह के ऊपर। मुंह खोलो दोस्तों, देख सकते हो अगर दांत आपके टेढ़े मेढ़े हैं, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, तो उसके वजह से पॉइंट मिल सकता है। अगर आपके दांत में कीड़े लग रखे हैं तो उसके वजह से भी आपको पॉइंट मिल सकता है। अब बात करेंगे, थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों, देखो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर ये आपका नॉर्मल नहीं रहा तो उसके वजह से भी आपका पॉइंट निकल सकता है और आपको बाहर निकाल दिया जा सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा चेस्ट के ऊपर, ठीक है। बहुत भाई लोग कहते हैं कि भाई मेरा चेस्ट एक छोटा है एक बड़ा है, अगर आपका छोटा बड़ा है तो इसकी वजह से भी आपका पॉइंट मिल सकता है, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आपका चेस्ट नॉर्मल बराबर होना चाहिए, और बताऊं आपका चेस्ट 77 आपका जो चेस्ट नापा जाएगा, यहाँ से नापा जाएगा, ये जो निप्पल से यहाँ से आपका नापा जाएगा, चेस्ट 77 कम से कम नॉर्मल होना चाहिए। अब मान के चलो आप बिल्कुल रिलैक्स अब दोस्तों मान के चलो रिलैक्स है ये बिल्कुल, तो आपका मान के चलो ये अभी जितना है उससे 5 सेंटीमीटर आपका फुलना चाहिए चेस्ट। मान के चलो सर एक बार दिखाना फीता, ये मान के चलो दोस्तों फीता है, ठीक है, ये हमने नॉर्मल लिया। और याद रहे दोस्तों चेस्ट के ऊपर नहीं करना, इसके नीचे के आसपास रहेगा, ठीक है। इनका मान के चलो 80 है, 80 सेंटीमीटर फुलाओ, ये देखो दोस्तों 80 है तो 86 तक आ गया, तो यहां से पास कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम बैक के ऊपर। बैक में क्या होता है दोस्तों, बैक में ये देखा जाता है, आपको चलाया जाता है, एक बार चल के दिखाओ, ये दोस्तों वापस आ जाओ। दोस्तों बैक में आपको चला के दिखाया जाता है कि आपका कहीं बैक टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं, चाल तो टेढ़ी मेरी नहीं है, अगर ऐसा है तो आपको पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। और दोस्तों आप बात करेंगे मेन पॉइंट की, आप समझने की कोशिश करना। बहुत बंदे बोलते हैं कि भाई मेरे ये दिक्कत है, जो चीज़ बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये कोई मेरे एक्सपीरियंस तो मेरा अपना रिसर्च करा ही करा है, बल्कि आर्मी के सर जो कैप्टन है हमारे, उनके एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैं बात करता हूँ मेन पॉइंट की। दोस्तों मान के चलो आपका मेन पॉइंट जो होता है, जो आपका लिंक होता है, उसका लिंक का आपका कवर खुलना चाहिए, अगर कवर नहीं खुल रहा तो उसके वजह से भी आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी नस ज़्यादा निकल रही है, नॉर्मल नहीं है, उसके वजह से भी पॉइंट मिलेगा, और 2 छेद होगा तो उसके वजह से भी पॉइंट आपको मिलेगा। अब मैं बात करूँगा दोस्तों पीछे की बात करेंगे दोस्तों। पीछे में क्या होता है, किसी के पाइल्स हो या किसी के बवासीर हो, बवासीर कैसे चेक करा जाएगा, आपको नीचे झुका दिया जाएगा, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, और आपको खांसी करवाया जाएगा तो उससे आपका बवासीर का भी पता चल जाएगा। अगर बवासीर है आपके या पाइल्स हैं तो उसका भी पॉइंट आपको मिलेगा, तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो, आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है।
अब मैं बात करूंगा नौकनी के ऊपर। जो बंदे बहुत बोलते हैं कि भाई नौकनी के ऊपर वीडियो बनाओ, दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगा और बेस्ट वीडियो बनाऊंगा, आप पहले ये चीज समझ लो। ये पैर मिलाओ दोनों साथ में। दोस्तों देखो नौकनी आपका ऐसे चेक होगा, आप एक बार देख सकते हो, मिलाओ दोस्तों देख सकते हो, सीधा करो पैर सीधा करो। ये नौकनी प्रॉब्लम है इसके, ये नौकनी प्रॉब्लम है और जो कि हम इसे फिट कर देंगे। और आपको मैं बता दूं, अगर ये चिपकता नहीं है तो आप ये फिट हो। अगर मान के चलो आपका ज़्यादा ही बाहर निकल रहा है, ठीक है, फिर भी गैप है, अगर ज़्यादा बाहर निकल रहा है तो वो भी आपको नौकनी माना जाएगा, जिसमें आपको अनफिट कर दिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आर्मी में क्या होता है दोस्तों, सीधा एक पॉइंट चाहिए बाहर करने का, ये चीज़ है। आपको मैं चीज़ बता दूँ और घुटने की बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो आपका घुटना है, किसी का घुटना सीधा है, मान के चलो थोड़ा बाहर आ जाता है, थोड़ा ऐसे बाहर आ जाता है, अगर ऐसे आपका आता है तो वो भी एक पॉइंट है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब मैं बात करूँगा नीचे की, फ्लैट फुट, थोड़ा खोलो पैर दोस्तों, फ्लैट फुट, ये देख रहा इनका आर्च बन रहा है, ठीक है। अगर आपका ये चिपकता है तो आपके फ्लैट फुट है, इसका भी इलाज है जो कि मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका चिपकता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, साफ साफ मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपका दोनों देखा जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी का बहुत ज़्यादा आए तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब मैं बात करूँगा उंगली के ऊपर, उंगली में क्या है दोस्तों, देखो नॉर्मल पैर जिसका जैसा है वैसा है और बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, तो आपको पॉइंट मिलेगा और बाहर कर दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं हाथ का बताना भूल गया, हाथ का भी बता देता हूँ, आपका एल्बो का, इधर आके देख सकते हो आप एक बार एल्बो, ये एल्बो देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आपका ये ज़्यादा ही बाहर निकल रहा है तो आपको पॉइंट मिलेगा, आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, देख सकते हो, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करूँगा मैं तीसरे पॉइंट की, ये आपका उंगली है, उंगली पीछे नहीं जाना चाहिए, अगर आपका पीछे जाता चिपकता है तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। और कटे पिटे निशान नहीं होने चाहिए, और किसी के छह उंगली होते हैं, सात उंगली होता है, उसमें कटे पिटे निशान है तो उसमें भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात होगी मेडिकल की। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप जब मेडिकल देने जाते हो तो आपका 50 kg कम से कम वेट होना चाहिए, अगर आपका कम है तो सीधा बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस करना। और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। और दोस्तों आपको बता दूं, हमारी न्यू बैच आर्मी की स्टार्ट होने वाली है, आर्मी नेवी सारी स्टार्ट होने वाली है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। अब मैं सर से थोड़ा बात करूंगा, सर जैसे कि ये मैंने मेडिकल के बारे में बताया, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया आपके हिसाब से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपने अच्छे कवर किए हैं जी सर, और यही पॉइंट अक्सर देखे जाते हैं, यही मेन पॉइंट दोस्तों देखे जाते हैं, आपको मैं बता दूं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये नहीं कि मैंने आपको पॉइंट बता दिया, वहाँ पे तो आपका देखो डॉक्टर चेक करेगा, वो कोई डॉक्टर पास भी कर सकता है, कोई डॉक्टर फेल भी कर सकता है, सही है सर? ये अपना अलग अलग सबका व्यू होता है, ठीक है। अब सर से थोड़ा बातचीत करेंगे, सर अगर इनकी नौकनी की प्रॉब्लम है, चाहे ये जो हाथ का ये निकल रहा है, तो इस पर कैसे काम करा जाए? जो कि नौकनी की जो प्रॉब्लम है, इसके लिए इनको पैरों की एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी आपको, ताकि एक वो बोलते हैं भाषा में कि पहलवानी डंड, बिल्कुल सर, उनसे लगवाने से क्या होता है कि ये फासला अपने आप, तो सर एक एक्सरसाइज पे भी वीडियो बना देंगे हम दोस्तों, हम एक्सरसाइज पे एक वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं बच्चों से थोड़ा, तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। खाने पीने की कोई दिक्कत? नहीं सर। बढ़िया लग रहा है सब कुछ? यस सर। ओके, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों हमारी वीडियो इतनी थी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आर्मी की पहन यारा किया यार, मी खून से गरम साड़ी ये जठार।